हाउ फ्रैक्शनल प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट इज बेटर देन बैंक फिक्स डिपॉजिट्स। हेलो, ग्रीटिंग्स टू यू ऑल। आज मैं ऐसी बात करना चाहूंगा कि अगर आपके पास 20 लाख रुपीज है और अगर आपके पास 10 साल का टाइम है और आपको बैंक FD करना है तो आप करोगे या नहीं करोगे। शायद आप बोलोगे हाँ करूंगा। क्यों करेंगे? क्योंकि दिस इज ट्रेडिशनली एक्सेप्टेड, हम सालों से इसके अंदर भरोसा रखते हैं और हमको वी आर ओके विद द व्हाट एवर रिटर्न्स दैट द फिक्स डिपॉजिट ऑफर। तो लेट्स एज्यूम कि अगर हम 10 साल का फिक्स डिपॉजिट हमने कर दिया 20 लाख रुपीज का 10 साल के लिए, तो वी आर लाइकली टू अर्न 6% फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स। सो दैट्स क्लियर। अभी ऑल्टरनेटिव में डिस्कस करते हैं कि आपने 20 लाख रुपीज दो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया, दोनों रेसिडेंशियल है और दोनों आउट सिटीज है। लेट्स से एक प्रॉपर्टी आपका अपना गोवा में है और दूसरा प्रॉपर्टी आपका ऊटी में है। जस्ट फॉर अ सेक ऑफ एग्जांपल मैं शेयर कर रहा हूं। तो दो प्रॉपर्टी आपने 10-10 लाख रुपया दोनों प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दिया। अभी गोवा की प्रॉपर्टी की मैं बात करूं या ऊटी की प्रॉपर्टी, बिकॉज दे आर अ वेरी प्रिफर्ड हॉलीडे डेस्टिनेशंस, तो उसका रेंटल यील्ड ज्यादा है। तो बैंक डिपॉजिट से फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपको कम से कम 2% ज्यादा यील्ड मिलने का चांसेस है, मीनिंग देयर बाय 7-9% 7-8% वी कैन अर्न एज अ मंथली इनकम। क्यों मैं ज्यादा बता रहा हूं? बिकॉज इट इज नॉट अ मंथली इनकम, इट इज अ डेली रेंटल्स दोस प्लेटफॉर्म ऑफर्स, तो वहां से आपको रिटर्न्स ज्यादा मिलने का चांसेस है। दूसरा, बैंक FD में आपने एक बार कर दिया तो यू हैव नो रिलेशनशिप एक्सेप्ट रिसीविंग द डिविडेंड या इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम द बैंक। इसके अंदर प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट बिकॉज फ्रैक्शनली की है तो साल में 10 दिन आपको यूज करना है, 15 दिन आपको यूज करना है, तो आप कर सकते हो। तो एक तो यू कैन अर्न वाइल यूजिंग ऑल्सो। तीसरा, कि अपने को बहुत लंबा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में नहीं करना है, जस्ट 10-20 लाख करना है, तो दिस इज द ओनली ऑप्शन फ्रैक्शनल दैट ऑफर्स यू दैट अपॉर्चुनिटी कि आप 10 लाख 10 लाख दो तीन जगह इन्वेस्ट कर सकते हो। तो आई थिंक यू आर कन्विंस्ड दैट फ्रैक्शनल प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट इज बेटर देन अ बैंक फिक्स डिपॉजिट। बट दिस इज प्योरली एंड प्योरली फॉर यंगर जनरेशन, नॉट फॉर द सीनियर सिटीजन, दोज हु आर प्योरली डिपेंडेंट on the monthly income from bank fixed deposit. So with that clarity, I close this video. Thank you very much for watching.